नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर आजमगढ़ से आ रही है। दबंगों द्वारा तोड़ी जा रही है गांव की सड़क। एक बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौलनापुर आवक में दबंगों द्वारा तोड़ा जा रहा है गांव की सड़क। सूत्रों के अनुसार गांव के लाल बिहारी पुत्र स्वर्गीय राम नरेश ने बताया कि इस गांव की सड़क को गांव के दबंग किस्म के ट्यूबर द्वारा तोड़ा गया। मना करने पर उल्टा सीधा बोल रहे थे। वहीं फौजी लाल बिहारी जी का कहना है, मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूं कि गांव की जो भी सड़क तोड़ी गई है इस पर उचित कार्यवाही की जाए और प्रशासन द्वारा जांच की जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ से रवि कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आपका परिचय चाचा? मैं लाल बिहारी जी, स्वर्गीय पुत्र श्री राम नरेश, मौलनापुर और सीसाल रानी सराय थाना जी, और मैं नगर मेरा तहसील है। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं बीएसएफ से रिटायरमेंट आदमी हूँ, हवलदार से जी। और मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये रोड सामने है जी, अपने से ये आदमी ट्यूबर नाम का आदमी है, ये तोड़ करके और सड़क फेंक दिया। मैं सामाजिक तौर से आदमी को इकट्ठा किया, वो लोग देखे, बोले कि तुम्हारा धान तो नहीं नुकसान, तुम ऐसा क्यों किए हो। प्रधान को बुलाया गया, प्रधान बोलता है कि कोई उसमें मैंने लिया नहीं कुछ। ये किसने तोड़ा है सड़क? ये टूवर ने तोड़ा है। जो सरकार एक तरफ बनवा रही है सड़क, एक तरफ गांव के ही टूवर जी तोड़ रहे हैं इस सड़क को। तो इसी ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, बहरहाल मुझे प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन आकर के यहाँ चेक नहीं किया। अच्छा। और मेरे ऊपर ये साधना नाम की